राजस्थान के अजमेर में 20 मार्च 1615 को मुगल बादशाह शाहजहां और उनकी बेगम मुमताज महल के घर एक बेटे का जन्म होता है। शाहजहां ने उसका नाम रखा दारा, जिसका फारसी में मतलब होता है खजानों या सितारों का मालिक। दारा शिकोह के सगे और सौतेले 13 भाई बहन थे, जिनमें से 6 ही जीवित बचे, जिनमें जहां आरा, शाह शुजा, रोशन आरा, औरंगजेब, मुराद बख्श और गोहर बेगम शामिल थे। 1633 में दारा ने नादिरा बेगम से शादी की। दारा ने अपने जीवन में एक ही शादी की। चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम जिस पर्सनालिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है दारा शिकोह। दारा शिकोह को बेहद उदार और गैर रूढ़िवादी मुसलमान माना जाता है। दारा की इस्लाम के साथ ही विशेष तौर पर हिंदू धर्म में गहरी रुचि थी। दारा ना केवल इस्लाम बल्कि हिंदू, बौद्ध, जैन आदि धर्मों का भी सम्मान करते थे। वह सभी धर्मों को समानता की नज़र से देखते थे। ऐसा कहा जाता है कि कई हिंदू मंदिरों के लिए दारा ने दान भी दिया था। दारा ने हिंदू और इस्लाम धर्म में समानताएं खोजने का प्रयास किया। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उन्होंने 52 उपनिषदों और महत्वपूर्ण हिंदू धार्मिक किताबों का संस्कृत से फारसी में अनुवाद करवाया था, ताकि हिंदुओं के उपनिषदों को मुस्लिम विद्वान भी पढ़ सके। साथ ही उन्होंने हिंदू उपनिषदों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रचार प्रसार में भी मदद की। दरअसल दारा शिकोह द्वारा उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराने का फायदा ये हुआ कि ये यूरोप तक पहुंचा और वहां से उनका लैटिन भाषा में भी अनुवाद हुआ। इससे उपनिषदों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली और प्रसिद्धि मिली। दारा शिकोह की सबसे प्रसिद्ध किताब मज़्म उल बहरेन यानी दो सागरों का मिलन है। इस किताब में वेदांत और सूफीवाद का तुलनात्मक अध्ययन है। शाहजहां हमेशा चाहते थे कि दारा शिकोह ही उनके उत्तराधिकारी बने, लेकिन ये कभी हो नहीं सका। 1652 में शाहजहां ने दरबार में एक खास आयोजन किया था और दारा को तख्त पर बैठाया था और उन्हें शाह ए बुलंद इकबाल यानी बादशाह का उत्तराधिकारी की पदवी दी थी। इतिहासकारों का मानना है कि दारा शिकोह की रुचि युद्ध से ज़्यादा दर्शन और सूफीवाद में थी। 1657 में शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद मुगल साम्राज्य में उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। दारा को सबसे बड़ी चुनौती मिली उनके छोटे भाई औरंगजेब से। 30 मई 1658 को दारा शिकोह और उनके दो छोटे भाइयों औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में आगरा से 13 किलोमीटर दूर समूहगढ़ की जंग हुई। इस युद्ध में दारा हार गए। जीत के बाद औरंगजेब ने आगरा के किले पर कब्जा जमा लिया और 8 जून 1658 को अपने पिता शाहजहां को गद्दी से हटाते हुए आगरा में जेल में डाल दिया। मार्च 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच फिर से जंग हुई। अजमेर के पास हुई देवराई की लड़ाई में दारा को फिर से हार मिली। युद्ध में हराने के बाद औरंगजेब ने दारा को जंजीरों में जकड़कर दिल्ली की सड़कों पर घुमाया था। इतिहासकारों का कहना है कि दारा शिकोह जनता में बहुत लोकप्रिय थे और औरंगजेब ऐसा करके ये दिखाना चाहते थे कि केवल जनता में लोकप्रिय होने से कोई हिंदुस्तान का बादशाह नहीं बन सकता। कुछ दिनों के बाद 30 अगस्त 1659 को औरंगजेब ने दारा का सिर धड़ से अलग करवा दिया था। औरंगजेब ने दारा का सिर एक थाली में सजाकर आगरा में कैद शाहजहां को कीमती तोहफा कहकर भिजवाया था। जब शाहजहां ने थाली से कपड़ा हटाया तो दारा का कटा सिर देखकर उनकी चीख निकल गई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार दारा के धड़ को दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे के पास दफन किया गया था, जबकि उनके सर को औरंगजेब ने आगरा में ताजमहल के पास दफना दिया था। 2020 में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने दारा शिकोह की कब्र की तलाश के लिए पुरातत्वविदों की एक 7-सदस्यीय कमेटी बनाई थी। माना जाता है कि 1659 में दारा शिकोह की हत्या के बाद उसे औरंगजेब ने दिल्ली स्थित हुमायूं के मकबरे में दफन कर दिया था। हुमायूं के विशाल मकबरे में 140 कब्रें हैं और वहां मकबरे के बीच में स्थित हुमायूं की कब्र को छोड़कर किसी और कब्र की पहचान करना बहुत मुश्किल है।
पिछले कुछ सालों के दौरान सरकार ने दारा शिकोह के प्रचार में तेजी दिखाई है। 2016 में दिल्ली में औरंगजेब रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया था। 2017 में राष्ट्रपति भवन के पास डलहौजी रोड का नाम बदलकर दारा शिकोह रोड कर दिया गया था। कई इतिहासकार औरंगजेब को कट्टरपंथी और दूसरे धर्मों से भेदभाव करने वाले मुसलमान के तौर पर देखते हैं। माना जाता है कि काशी मथुरा समेत कई शहरों के चर्चित हिंदू मंदिरों को औरंगजेब ने तुड़वाया था। इतिहासकारों के एक पक्ष का ये मानना है कि अगर औरंगजेब की जगह दारा शिकोह मुगल बादशाह बनते तो इस्लाम भारत में और फलता फूलता और हिंदू मुस्लिम एक दूसरे को ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ पाते। दारा शिकोह हिंदुओं के प्रति उदार थे और उन्होंने हिंदू उपनिषदों का अनुवाद कराकर हिंदू धर्म के प्रचार का काम भी किया था। अब दारा शिकोह कैसा शासक होता और कैसा उसका शासन काल होता, यह इतिहासकारों के बीच अनुमान की विषय वस्तु है। जबकि इतिहास में घटित घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है, ना कि ना घटित होने वाली घटनाओं का अनुमान एवं आंकलन किया जाता है। विभिन्न इतिहासकार पुस्तकों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह जरूर कहा जा सकता है कि दारा शिकोह निर्विवाद रूप से एक धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति थे। इसी के साथ ही हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।